30 नवंबर 2017 को भारत की ब्रह्मा आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ का प्रमुख कौन था? अनिल धस्माना। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती, 15%। किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? 1917 को। विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जो उस राज्य में निर्वासित किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य के निर्वासित न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं। ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? शेयर बाजार और वायदा बाजार। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था या उग्रवादी था या आतंकवादी था, और इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था या राज्य। कानून दोनों के लिए समान है और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की भी आवश्यकता है, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इससे सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 अफसपा के तहत सुरक्षाकर्मियों की दंड मुक्ति का हास्य होता है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को डैश के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। 55:45:00। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? उत्तर प्रदेश बनाम राज नारायण। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया? आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना, मैला ढोने अथवा पशु या मानव शव उठाने के लिए बाध्य करना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ाना। तो ये चारों का चारों सही है। किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो राज्य के नाम सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद से ही ले सकते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व संतुष्टि पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है। ये दोनों सही है। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है?
जावक निवेश, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक बाजार, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप GAIT, GATE, IIM, UPSC इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड के आवेदन की स्थिति का इत्यादि, ये दोनों। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। कोपहेंगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत का कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया था? 20 से 25%। डैश को ऋषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ है 26 जनवरी 1950। 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था? शेर बहादुर देउबा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया जा सकता है। यदि ए, संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है। बी, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। और सी, राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री के चुनाव नहीं कर पा रही है। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पर्वतीय। निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेख की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया है? सत्यम कंप्यूटर्स मामला। जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखे, सबसे पहले घटित घटना से शुरू करने के सबसे अंत में घटित घटना तक। इसका सही उत्तर है ACB, आपातकाल, फिर हुसरा खातून बनाम बिहार राज्य, उसके बाद MC मेहता बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो भारतीय संविधान के संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियां हैं। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है? तो अनुच्छेद 40। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है? अनुच्छेद 40। यमुना नदी के तट पर दीन पना शहर की नींव किसने रखी थी? तो हुमायूं ने। डैश एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। वायर टैपिंग। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आगे सड़क पतली है। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाया गया? उर्वरक। संक्रमण एस्कोरिफियासिस
निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? परजीवी गोल क्रीम के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है? मूड वैट। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहली घटना घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत घटी घटना तक जाना है। सबसे पहली घटना है उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकार हुआ अंगीकृत हुआ राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, फिर इस पर संविधान सभा द्वारा पारित एवं स्वीकृति हुआ, फिर जनगण मन राष्ट्रीय गान के रूप में अंगीकृत हुआ। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को डैश कहा जाता है, महामारी विज्ञान। संघीय संसद राज्य सूची में के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम डैश के द्वारा समर्थित हो, उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3। वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पद यात्रा की सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों की भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए? जनादेश। इसका सही उत्तर है जनादेश। डैश का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के डैश में होता है, कोशिका द्रव्य। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। डैश भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, मंत्रिमंडल के सचिव। 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन था? ओपी सिंह। मछली की किस्मों की तलमजी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के गहरे पानी में। धन्यवाद।